नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कल था शुक्रवार और धमाकेदार ओपनिंग की सिनेमाघरों में कई पिक्चरों ने, साथ ही साथ कई एक तरह से वेब सीरीज भी रिलीज हुई शुक्रवार के दिन। और साथ ही साथ दोस्तों, आज हम फोकस करने वाले हैं एक तरह से इंग्लिश मूवी का, जो कि हिंदी में भी ऑफिशियल रूप से रिलीज की गई है। आज हम बेसिक डीसी पर बात करने जा रहे हैं, इसकी स्टोरी आपको एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ फैक्ट के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ जितनी भी नई अपडेट है उन सभी को हम बताने वाले हैं। ऑफिशियल रूप से 21 अप्रैल को ये रिलीज की गई थी। हिंदी इंग्लिश के साथ तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम मल्टीपल लैंग्वेजों में ये अवेलेबल है। इसके OTT राइट के बारे में भी बात करेंगे, साथ ही साथ कई अपडेट और है वो भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों, जानना चालू करते हैं इस एक तरह से मूवी के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हाल ही में नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर एक और नई मूवी रिलीज हुई है। जी हाँ दोस्तों, ये ड्रामा और थ्रिलर दोनों ही है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का नाम है हंगर। इसकी IMDb जो रेटिंग की बात की जाए तो 10 में से 6.6 की इसकी रेटिंग आ रही है, और साथ ही साथ ठीक ठाक लोगों द्वारा इसे पसंद किया जा रहा है और नेटफ्लिक्स पर यह बहुत अच्छे ट्रेंड में चल रही है। साथ ही साथ इस मूवी के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से इस मूवी के अंदर एक तरह से स्टोरी बताई गई है कि एक तरफ जो इंसान रहता है, अमीर आदमी, जो कि टेस्ट में पागल हुआ जाता है, और दूसरी तरफ जो हमारे जैसे मिडिल क्लास, एक तरह से नॉर्मल जो लोग रहते हैं, वो एक वक्त की रोटी के लिए भगवान का एक तरह से शुक्र मनाते हैं कि भगवान आपने हमें एक वक्त की रोटी दी। तो इसी पर बेस ये स्टोरी है, पूरी की पूरी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें, इसे दबा कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले। तो इस स्टोरी के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर इस सीरीज के अंदर बताया जाता है एक तरह से एक लड़की को, जो कि अपने एक तरह से भाइयों के साथ एक रेस्टोरेंट चलाती है। साथ ही साथ यदि आप सोच रहे हो कि इसे एक्चुअल सफल होते तो यह कोई नौकरी नहीं है। साथ ही साथ जो मुख्य रूप से निष्कर्ष निकालता है और पेट पर टैक्सफ्री नूडल देखता है, और उसके परिवार का स्वामित्व हमेशा पिताजी बुजुर्ग होते हैं, और ऐना के दो छोटे भाई बहन भी होते हैं जो अपने परिवार की मदद करते हैं और अपनी छोटी बहन की एक तरह से स्कूलिंग के लिए और साथ ही साथ ग्रेजुएशन के लिए भुगतान करते हैं। वह नूडल स्टोर एक तरह से चलाते हैं, कोल्टेल एक प्रसिद्ध शॉप एक तरह से भूख का प्रभावी है, यानी एक तरह से एक शेफ है जो कि खाना का टेस्ट करता रहता है अलग अलग जगहों पर जाकर, और कोल्टेल एक प्रसिद्ध शॉप एक तरह से मैंने बताया ओनर भी है। साथ ही साथ मुख्य रूप से इसके बारे में बात की जाए तो प्रतिभाशाली रसोइयों का एक समूह जो कि थाईलैंड के शक्तिशाली और समृद्ध नागरिकों की सेवा करता है, सोलपोल के कर्मचारी के एक सदस्य को दिन में हमेशा एक तरह से नूडल व्यवस्था का दौरा करता है और उनकी प्रतिभा से प्रभावित होता है, और एरो की हंगरी में आमंत्रित किया जाता है ताकि वह अपने फायरिंग कौशल का प्रदर्शन कर सके। यानी जो वो लड़की रहती है उसके खाने को बनाने की स्टाइल को देखकर, उसके टेस्ट को देखकर एक आदमी उसे कार्ड दे के जाता है और उसे एक तरह से इनविटेट करता है कि तुम आओ हमारे इस रेस्टोरेंट के लिए काम करो। और इसके बाद बताया जाता है बलवे की टीम को एक सदस्य को बदलने के लिए चुना गया है, जिसे हाल ही में सेफ पॉल एशन के तहत अपने काम के दौरान जाने दिया गया था। सूअर का मांस एक तरह से भूनने के लिए संघर्ष करता है और अपने एक तरह से बॉस से एक एलमेट प्राप्त करता है। हालांकि मिश्र धातु रसोई में एक तरह से रात बिताती हैं और अभिगत वर्ग के बीच अपनी जगह अर्जित करने में वे पूरी रहे, और एक खनपान कार्यक्रम में रसोइया धनी मेहतन और ओवी की राहत करता है जब वह उनके लिए सूअर का मांस भूनता है। साथ ही साथ दोस्तों, वो देखता है कि उसके आगे सूर का मांस अच्छी तरह से साफ नहीं कर पा रहा है वो, और इसी बीच एक खान पान कार्यक्रम में रसोई धनी महत ओवल की राह करता है जब वह उसके लिए सूर का मांस भूनता है, और उसी वक्त एक चौब नाम का व्यापारी उसे एक कार्ड देता है और उसे संपर्क करने के लिए कहता है यदि उसे
बात में मदद की जरूरत हो तो सौ पोल में एक तरह से ओबी की अपनी पहचान की है, क्योंकि वे केवल एक तरह से तलने में अच्छी है और अन्य खाना पकाने के कौशल के अधिकार नहीं, यानी एक तरह से उसे और जो खाना है वो ढंग से पकाना नहीं आता, इसी वजह से वो एक तरह से इसलिए उस पर व्याकुल है। साथ ही साथ टोना एंथ्रीन में करीब हो जाती है और एपिक एक स्वर्ग के रूप में सुर एक तरह से सुधार करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी तकनीकों को सुधार में टोन की सहायता के परिणाम स्वरूप एक दिन सौर पोल के स्टॉल के एक सदस्य को कुछ महत्वपूर्ण रसोई के सामान चोरी करते हुए पकड़े जाने के बाद जाने दिया जाता है। कुछ दिनों बाद सौर पोल टीम के सभी अनुभवी शेफ को मिसेस डोंग करती हैं, और लेकिन इसी के साथ जाने से पहले डोंग्स ने सौर पोल के पेट में चाकू मार दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में वे अस्पताल में भर्ती हुए और मुसबार को सोल पार के दर्शन के बारे में पता चलता है। जब वह सोल पोल के अनुसार अस्पताल में एक तरह से उनसे मिलने जाते हैं तो एक सक्षम शोर बनने के लिए एक तरह से व्यक्ति को अपनी भूख पर काम करने के लिए सफल प्रेरित होने की जरूरत है। पोल उसके लिए इसे पकाने के लिए कहता है, हालांकि AOI पक्षियों को पकाने के खिलाफ है क्योंकि ये एक लुप्तप्राय प्रजाति से संबंधित है और इसका शिकार करना अवैध है। हालांकि सौर पोल अपनी नैतिक धार्मिकता के लिए दूर है और तर्क देता है कि किसी को भी सफल होने के लिए अपनी नैतिकता से समझौता नहीं करना है, और परिणाम एशोन का पता चलता है कि वह सौर पोल सफलता के लिए अपनी भूख में अंधा हो गया है, और परिणाम स्वरूप एक तरह से AI अपनी नौकरी छोड़ देता है, लेकिन एक प्रसिद्ध सॉप इवेंट बनने की अपनी खोज को नहीं छोड़ता। अंततः एरोन श्री टोस की सहायता के लिए मुड़ जाता है और वह उसे निवेश करता है, और इससे पहले कि वह सौर के रूप में अपनी एक तरह क्षमता का प्रदर्शन कर सकता, सौर पोल की एक तरह से सर्वोच्चतम लोकप्रियता को खतरे में डाल सके और अपने खुद के एक्सप्लोर और मिश्र धातु को कई एक तरह से बाधाओं को दूर करना होगा और साथ ही साथ चलन करना पड़ता है, और एहियो के परिणाम की एक खोज का एक तरह से बावजूद हमेशा शहर के पार्क दृश्य के शीर्षक पर तेजी से बढ़ना और उसे लगातार चिंता करने और व्योम विकसित करने का कारण बनता है। मिश्र धातु को उसके पूर्व बॉक्स से एक यात्री मिलता है जो उसे सूचित करता है कि वह एक अमेरिकन सोसाइटी के एक तरह से जन्मदिन की पार्टी में प्रतिस्पर्धा करेंगे, जबकि AO धीरे से एक तरह से वाजपेयी पोल जैसे दिखने लगता है और हर दूर कर सकता है, और वाजपेयी पोल हॉलवी को पता चलता है कि वह फिल्म के लिए क्वेमेंट दृश्य के दौरान एक समुद्र सोसाइटी के जन्मदिन समारोह के लिए भोजन उपलब्ध कराएगी, यानी एक तरह से उनके पास बड़ा ऑर्डर आया था जिससे कि वह एक तरह से ऑर्डर को पूरा कर सके। साथ ही साथ इसी के साथ मैं आपको बता दूं, एक तरह से कैमरा एंगल चेंज होता है, बताया जाता है फ्लैप ओरियन और डिशन को आगे बढ़ते हुए और उन्होंने सक्षम होकर, हालांकि उन्होंने खान पान मुख्य रूप से एक तरह से करना छोड़ दिया है, साथ ही साथ वो अब साथ में ही रहते हैं। और दोस्तों इसी के साथ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके, और साथ ही साथ परिवार और उसके जीवन में अन्य महत्वपूर्ण एक तरह से पहलुओं को एक तरह से वो देखती हैं और पेशेवर रूप से सफल होने के लिए वह यह महसूस करने के बाद घर लौटती है कि उसका परिवार उसके लिए विश्व धातु के लिए कितनी मायने रखता है, और आखिरकार वह पेट एक तरह से भोजन के एक प्रसिद्ध शेफ बनने के लिए अपने लक्ष्य को छोड़ देती है, और बजाय इसके कि वह फिर से उनके संपर्क में आती है और संकल्प लेती है कि वह नूडल स्टोर को संभालने के लिए उसके पास एलोर का स्वामित्व है, और उन्हें पता चलता है कि अपनी एक तरह से ट्रैवल के दौरान उसने हमेशा अपने परिवार के लिए जीवन गुणवत्ता में सुधार करने के लिए और आवश्यकता गुण थे, हालांकि वे गिल्टन और ब्रैंड के मेलियस द्वारा उनके द्वारा पकड़ी गई थी। साथ ही साथ जो सीन है वो चेंज होता है और नई दुनिया में उसे मिश्र धातु में प्रवेश करता है, और अंततः एक थके हुए लेकिन कुछ अधिक जानवर एक
देखने से वो नजर आ रही थी। साथ ही साथ मुख्य रूप से उसे देखने को मिल रहा था और वो अपने एक तरह से दोस्त और अपने परिवार के लिए ये सब कर रही थी। दोस्तों इसी के साथ मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसी के बाद पता चलता है, एक तरह से सीन चेंज होता है और मुख्य रूप से मैं आपको बता दूँ कि पता चलता है कि सॉल बैन के पास है और सफलता की एक तरह से भूख उसे अंधी कर चुकी है। पर ना सिर्फ एलो अपनी नौकरी छोड़ देती है, लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद वो इधर उधर घूमती है और मुख्य रूप से बनने के लिए, एक तरह से सक्षम बनने के लिए उसकी खोज को नहीं छोड़ती और प्रसिद्ध सौप घटना अंततः मिश्र धातु में बदल जाती है और मिस्टर टोप्स को सहायता के लिए वहाँ एक तरह से वहाँ पर पहुँचती है, उसके प्रवेश और लॉन्च करने में मदद करती हैं और अपने स्वयं के एक्सप्लोर और रेतन विषय धातु को एक तरह से जलाए कई एक तरह से बाधाओं को पार करना होगा और इससे पहले कि वह अपना एक तरह से क्षमता का प्रदर्शन कर सके। साथ ही साथ और फिर बताया जाता है मुख्य रूप से इससे पहले कि वह अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकती है कि रसोइयों के ऊपर से वह बावर्ची पोल के एक तरह से वर्चस्व को खाकर और जैन और से दो लोकप्रिय बढ़ाती हैं और सर और उसके परिवार के अलावा वह अंदर टोन पार्ट अपने क्योंकि टोन से ईशा होती थी के शीर्षक पर हमेशा एक तरह से त्वरित चढ़ाई है। इसके बावजूद शहर का पार गए दृश्य ये हुई पूर्णता की खोज और उसके परिणाम कारण बनती है लगातार चिंता करना और विकास करना। और वह मिस धातु उससे मिलने आती हैं और पूर्व बॉस जो कि उसे सूचना करती है कि वह एक अमीर प्रतिस्पर्धी होगा और सोसाइट की जन्मदिन की पार्टी जब एन को धीरे धीरे सॉफ्ट पोल जैसे दिखाई एक तरह से लगनी पड़ती है और बाबूजी पोल होन का पता हार दूर करता है, बताया कि वह खाना उपलब्ध कराएगी और एक और अमीर सोसाइटी के जन्मदिन के लिए फिल्म को राइड के दौरान एक जशन सीन मिस्टर टूस लगाया जाता है, इससे मौके पर होगा और लो मिस धातु को बढ़ावे में उसे सम करेगा। हालांकि पता चलता है कि उसने नहीं किया और वह खान पान अनुभव प्राप्त करेगी इसके बजाय उस समय प्रतिस्पर्धा करे और सॉल पोल के खिलाफ उनके पुराने बॉस सहयोग जिनकी उसके व्यक्तिगत और कुशलता को प्रदर्शित करना है के लिए उत्सव का खाना बनाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इसी जगह जो सीन है वो चेंज होता है। आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ आपको जिस भी सीरीज की एक्सप्लेनेशन जाननी है नीचे कमेंट कर सकते हैं जबकि उसके व्यक्तित्व और कौशल का प्रदर्शन करती हैं। और इसके साथ के लिए उत्सव में खाना बनाती है और शहर में सबसे धनी निवासी सभी हालांकि ओवर के पास तेज है के रूप में सॉल पोल की विशेषताओं से आगे निकल गई है और नतीजा एवर्ड समझाती हैं कि इसका पालन करना और सॉल पोल की सलाह उसने जीतने में मदद नहीं करेगा। प्रतियोगिताओं के बजाय अली एक तरह से वापस चला जाता है और मूल बातें और कार्य भी तैयार करता है नूडल जबकि उसके परिवार में एक तरह से नूखल पकवान और उसके स्वाद के पीछे की कहानी मेहमानों का दिल फिर से जीतना एक तरह से महाराजा पोल चीज़ों को अपने पक्ष में घुमाती है लेकिन बारचिन पोल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि उसका एक तरह से अवैध मांस एक तरह से पकाते हुए एक वीडियो वायरल हो चुका था। वायरल मिश्र तो समझाती है कि एक ईश्वर को पकड़ एक तरह से करती हैं और बाद में उसके साथ वीडियो अपने स्वयं के रेस्तरां के लिए धन अंततः सॉल पोल पर हार गया था और अपने कार्यक्रम के परिणाम का सामना करता है। इसी बीच एशियन निशान जैसे उसने किया था उसकी वजह से प्रतियोगिता नहीं होती और कौशल बजाय मिस्टर टो और ट्रोन्स की मशीन उनकी भूख को उजागर करती है और लालच जोड़ी का व्यवहार नेतृत्व रूप से पोलशन की तरह निंदनीय एक तरह से होती है और ऐसे प्रदर्शन करने में असमर्थ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस सीरीज के बारे में जाना। इस सीरीज की एक तरह से जितनी भी अपडेट थी वो सारी की सारी मैंने बताई, साथ ही साथ इस मूवी की स्टोरी मैंने आपको बताई और इसी के साथ नई दुनिया में मिस्र धातु एक तरह से प्रवेश करता है ये पूरी की पूरी स्टोरी एक तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है और कई अपडेट मैंने आपको बता दी हैं।
साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी के अंदर जो कैरेक्टर देखने को मिले हैं उन सभी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस मूवी का जो डायरेक्शन किया है वो किया है स्टीव मॉडग्लोर, साथ ही साथ इसे लिखा है कॉर्गिन जॉनसन ने, साथ ही साथ स्ट्रीमिंग इसके अंदर की है नोपेला चेयरमैन्स ने, जो कि इस एक तरह से मूवी के अंदर मुख्य रूप से देखने को नजर आई थी। साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी के बारे में जितनी भी अपडेट होती है निकल कर आती है वो सारी की सारी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इसकी जो कास्टिंग है एक ही कहकर उन पर भी डिटेलिंग में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी जो कास्टिंग निकल कर आ रही है मुख्य रूप से उनके बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस मूवी के अंदर जो कास्टिंग के अंदर एक तरह से मैन लीड के अंदर आपको देखने को नजर आए थे मुख्य रूप से नॉल्पिन चैनियन, मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो ये एक कैरेक्टर है, एक तरह से हीरो है, साथ ही साथ इनकी पूरी पूरी जन्म कुंडली हम खोलने वाले यानी एक तरह से पूरी डिटेल बताने जा रहे हैं। इनका पूरा नाम नोपचाई जैन नाम है, मुख्य रूप से ये एक कॉमेडियन एक तरह से एक्टर है, साथ ही साथ ये एक टेलीविजन और रेडियो एक्सट्रेट भी है। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 2003 में इन्होंने सबसे पहले अपनी करियर की शुरुआत एंग्लो मेल से की, साथ ही साथ 2007 में किंग नेरशोर, 2009 में नैंगमैन और 2011 में किंग्स नेशन पार्ट 3, किंग नॉर्सन पार्ट 5, साथ ही साथ टॉर्केट टाइमलाइन, किंग नेश पार्ट वी और द लाइफ ऑफ द ग्रेविटी, साथ ही साथ और भी कई मूवीज़ में आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ 2019 में हॉट एंड, साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म मुख्य रूप से 21 नवंबर 1983 को हुआ, तकरीबन आज इनकी उम्र 39 साल है। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे अरसे से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों इस मूवी के बारे में जितनी भी डिटेल हो सकती थी कैरेक्टरों सभी के बारे में मैंने आपको बता दी, और नेटफ्लिक्स पर जो इसकी अभी तक रिस्पॉन्स आ रहा है तकरीबन 4.33 मिलियन से एक तरह से लोगों ने इसे पसंद किया है। साथ ही साथ इसी के साथ इतने ज़्यादा लोगों ने इसने वाच कर लिया, साथ ही साथ ये टॉप वन पर चल रही है मूवीज़ के सेक्टर के अंदर नॉन इंग्लिश के अंदर। साथ ही साथ दोस्त इस मूवी के साथ अब हम बात करने जा रहे हैं एक और नई मूवी के बारे में जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई थी, उस मूवी के नाम के बारे में बात की जाए तो उस मूवी का नाम है ईविल डेड राइज। जी हाँ दोस्तों, ये हाल ही में 2023 में रिलीज़ हुई है। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन की लॉन्ग वीडियो हमारे चैनल पर प्रोवाइड हम नहीं करा रहे क्योंकि ये एक तरह से कॉपीराइट कंटेंट में आ रही है। अभी एक तरह से हमने वीडियो अपलोड करने की कोशिश की थी लेकिन इसे पार्टियल ब्लॉक कर दिया गया, इसी वजह से हम इस वीडियो के अंदर इसकी थोड़ी एक तरह से डिटेल आपको बताएंगे। मैं आपको बता दूं तो इस मूवी के बारे में 2030 की एक अमेरिकन हॉरर मूवी है। ये ईविल डेड एक तरह से फिल्म श्रृंखला की एक तरह से पाँचों पार्ट हैं, साथ ही साथ एक ही मल्टीपल यूनिवर्स बनने वाला है। इसका निर्देशन ली कॉर्डन ने किया है, साथ ही साथ इसे लिखा भी इन्होंने ही है। यह आपको 15 मार्च 2023 को SXSW के अंदर देखने को मिली थी, साथ ही साथ 21 अप्रैल 2023 को वर्ल्ड वाइड इसे रिलीज़ कर दिया गया, मल्टीपल कंट्रीज़ में मल्टीपल शोज देखने को मिले, साथ ही साथ ये आपको इंडिया में भी मल्टीपल लैंग्वेज में देखने को मिले। इसका डिस्ट्रीब्यूशन बर्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ने किया, प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइव सिनेमास और साथ ही साथ प्रशांत एकदर्शी पिक्चर्स, साथ ही साथ ऑलटेक पिक्चर्स ने भी इसे एक तरह से प्रोडक्शन किया है। इसकी लेंथ के बारे में बात की जाए तो तकरीबन 108 से लेकर 100 मिनट के बीच में है, और मूवी का जो बजट है वो 19 मिलियन है, और मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तकरीबन 7 से 8 दिन के अंदर किया है वो लगभग 42.4 मिलियन है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है, एक तरह से बजट के मुकाबले बहुत अच्छा कलेक्शन है। फिल्म के डेवलपमेंट से पहले एवी डेवन 2013 की एमी ऑफ रोशन 1982 और एला ब्रेंड एवी 2015 से 2018 के बीच में चौथी फिल्म के सीक्वेंस की योजना बना रहे थे, तभी उन्हें एक तरह से नए पार्ट पर चर्चा की और
उन्होंने इस मूवी को बना डाला। इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात की जाए तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस स्टोरी के अंदर बताया जाता है पेडस टेरियस कार्स और जोशन एक झील के किनारे कैरेबियन की छुट्टियां मना रहे थे। तभी एक बीमार जोशन एक टेटियन राक्षस इकाई के आगे झुक जाती है और टेटन को उसके एक तरह से नंगे हाथों से मारती है और वह हवा में उड़ने से पहले कबेल का सिर काट देती है। जबकि अभी अभी जीवित टेरन देखती है एक दिन पहले टिकट एक तरह से तकनीशील बैत को पता चलता है कि वह एक तरह से गर्भवती है और एली के बच्चे को डेनियन ब्रिजियन और किशन के साथ लॉस एजन अपार्टमेंट में प्रवेश करने के लिए एक तरह से जाया जाता है। साथ ही साथ इसी के साथ बताया जाता है कि उस अपार्टमेंट में जिसके अंदर उनकी फैमिली पूरी की पूरी रहती थी उस फैमिली के साथ उसकी बहन भी थी और उसी बीच वो कहीं पर जाते रहते हैं। तभी अपार्टमेंट में भूकंप आता है जिससे कि बेसमेंट की जो ज़मीन है वो धस चुकी थी और कुछ हिस्सा जो है वो टूट चुका था और उसके अंदर एक होल हो चुका था और एक सौ उन्यासी दशक की शुरुआत में तीन फोन रिकॉर्ड एक अजीब किताब है जिसे वह अपने कमरे में ले आती है। प्रारंभिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि किताब नोजेट डोमेंट का तीसरा खंड है, यानी वो उस खड्डे के अंदर से ये किताब लेकर आई थी जहाँ पर एक तरह से होल हो चुका था जो उसके चर्च के निरसंग के खिलाफ है। पुजारी द्वारा गुप्त रूप से शोध की गई जा रही है कि पुजारी द्वारा इस भस्म का पाठ करने के बाद रिकॉर्ड डेटन के सामने किया गया है जिससे पूरी इमारत की बिजली कट गई थी क्योंकि एलियन लिफ्ट में थी और एलियन एक ट्रांस में अपार्टमेंट में लेटी थी जहाँ वह अपने शरीर की विपरीत होने से पहले परिवार को धमकी देती है और वह अत्यधिक उल्टी करती है और मानवता के अपने अंतिम शेष पड़ाव में वह बैद से अपने बच्चों को गिराने से पहले बचाने की नियुक्ति करती हैं और उसे मरा हुआ मानते हुए बैद और पोडियन कोरियन को मिस्ट कोर्ट के साथ एलियन को उसके बेडरूम में आराम करने के लिए लेटा देते हैं। इससे पहले कि वह डेडाइट के रूप में जागती और परिवार पर हमला करती ब्रिजियन को घायल कर देती है। वह दलाल अपने पड़ोसी और अपने बच्चे को हत्या करने के लिए निकलती है और बैद और अपने बच्चे से अपार्टमेंट के बाहर अंदर रहने के लिए सक्षम होते हैं। एली ने कैसे वो अपार्टमेंट में आसपास जाने के लिए चमका दिया था वह उस पर हमला करती है और डेनियन केशन को अपने कमरे में ले आती हैं क्योंकि बैद डेनियन को वापस अपना बाहर करते हुए देखती हैं। साथ ही साथ ब्रिटेन निद्रोह से बाहर निकल कर शुरुआत करती है और बैथन को रसोई में एक ब्रिजेट चबाई वाला ग्लास मिलता है और उससे पहले कि उस पर चीज गॉर्डन हमला किया जाता वह ब्रिजेट डैन और किशन पर हमला करने के लिए तैयार थी और किशन ने उसे थोप दिया था और टेनन ने उसे लिपटे शरीर को बिस्तर पर बांध दिया था। टेनियर बर्द के सामने नेचुरल डोमेंट के बारे में कबूल करती हैं और वो तीन रिकॉर्ड को यह समझाने के लिए सुनाती हैं कि डेंटर्स को कैसे भगाया जाता है लेकिन सीखते हैं कि पुजारी विफल है और खुद पर हावी हो जाता है और डेनाइट को रोकने का एकमात्र साधन मेजबान शरीर को पूरी तरह से नष्ट करना था और ब्रिजियन पूर्ण जीवित हो जाती है और डेनियन को पूरी तरह से घूर एक तरह से मारती है और जो एक साथ उसे विसर्जित कर देती है और उत्तेजित होकर ब्रिटेन पर एक तरह से हमला करना चालू कर देती हैं। और इसी बीच बताया जाता है मुख्य रूप से उसे एक तरह से अपार्टमेंट में घुसती है और बैद पर हमला करती है और केशन ने एशन को एक तरह से छुरा घोंपने पर उसे एक तरह से मारने की कोशिश की थी। छुरा उसे लग जाता है और उसके पेट में से खून निकलने लग जाता है और क्षतिग्रस्त पेट में आश्रम लेती है और ब्रिटेन और डेनियन और पड़ोसी सबों द्वारा पीछा किया जाता है जबकि एलियन ब्रिटेन और डेनियन एक बहुअंगण में फ्रूज हो जाती हैं और लिफ्ट खून से भर जाती है और भूतल पर गिरती है जिससे कि भूत और सभी पार्किंग में भाग जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बताया जाता है जबकि एलियन ब्रिट और डेनियन एक बहुअंगण में फ्रूज हो जाती है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया खून बरसता है और चैनल ले रही है और कार्सन के साथ काम कर रही है ताकि वह अपने शरीर को नष्ट करते हुए एक लड़के के टुकड़े में ग्रहण को मजबूत कर सके और एलियन के करते हुए सिर ने बैद को ताना मारते हुए वह अपनी माँ के रूप में सफल होगी जिसने उसे एलियन के सिर के
चप्पल में मारने के लिए प्रेरित किया था उसी से वह नष्ट हो गई है। और अगले दिन जोशन ने खुलासा किया कि वह इमारत में एक निवासी थी और छुट्टी के लिए निकल जाती है, लेकिन खून से लथपथ लड़की के टुकड़े देखती है क्योंकि वह अनदेखी है और वेबसाइट पार्किंग के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ती है और उस पर हमला करते हुए आतंक में चिल्लाती है। तो दोस्तों इसका कंफर्म है, जो अगला पार्ट है वो कंफर्म आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ और भी कई जैसे अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। साथ ही साथ दोस्तों इस स्टोरी के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। साथ ही साथ बैट के रूप में लिली सुलवेल आपको देखने को मिली है, एली के रूप में एलियन सदरलैंड और डेनियन के रूप में मॉर्ग डेविल। साथ ही साथ और भी कई किरदार इस मूवी में आपको देखने को मिले हैं। प्रोडक्शन की बात की जाए तो फिल्म साउंड ब्राय साउंडट्रैक SXSW प्रीमियम में फैड ऑवरेज ने घोषणा की कि उनकी फिल्म एवी डेड 2013 और एवी एक तरह से डेड 1981 की रीमेक है और वह सीक्वल्स बन रही है। और इसके अलावा मुख्य रूप से वह सैम राइज में अपने भाई इमरान एरियन के साथ इविल डेड 4 लिखने की योजना की पुष्टि में है। बाद में यह निश्चित किया गया कि फिल्म एर्मी ऑफ डार्क ने 1982 की अगली कड़ी होगी और मार्च 2013 में एक वंडर कॉल पैन में बॉस के प्लस और एल्ब्रोज ने कहा कि वह अंतिम योजना एल्ब्रोज की एवी डेड 2 और रायमी की 3 डार्कनेस 2 की सेना के बाद एक शाब्दी फिल्म आएगी जिसमें ऐसा वॉलियन को मिया एलियंस की कहानियों पर उल्लेख होगा। और गैल्पन ने पुष्टि की कि वह एक तरह से आर्मी ऑफ डार्कनेस 2 में एशियन के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। एल्वारेज ने उसी महीने बाद में अपने अनुनायक को ट्वीट किया कि वे रसाई एमिन ऑफ डार्कनेस 2 में इंद्रसांग के रूप में काम करेगी। और नंबर तक कैबरन ने एक चौथी एवल डेड फिल्म का संदेह व्यक्त किया। मारियन की आर्मी ऑफ डार्कनेस 2 के साथ अंततः टेलीविजन श्रृंखला बेशन वोशन एलिविन डेड और कैपन अभिनेत 31 अक्टूबर को। साथ ही साथ 15 से 29 अप्रैल 2018 तक स्टार्स पर प्रसारित है। अप्रैल 2019 में एशा बन बम एवियन डेड के चौथे सीजन को रद्द करने के बाद उस नवंबर में एवियन डेड टेफ्रोचियन के भविष्य पर बोलते हुए एल्वारेज ने घोषणा की कि वह अभी केवल विचार है और आधिकारिक तौर पर यह घोषणा करने के लिए कुछ भी नहीं है और हमारे पास एक डॉट बी टू की स्क्रिप्ट है। सब इतनी ही अंतर है कि हमारे पास एवियन डेड 2 की स्क्रिप्ट नहीं है लेकिन डॉट बी टू स्क्रिप्ट हमारे पास है और हमने लिखी है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब वह ट्वीट किए थे तो मुख्य रूप से 2 एक तरह से के लिए जीत गए थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वह एक और भी कब 2013 की रिट्यू की अगली कड़ी होगी। हालांकि वह निश्चित था कि वह एल्ब्रोज इस बिंदु पर सीक्वल बनाना चाहते हैं क्योंकि निरसांग अब एक सफल मांग पर कलाकार है। इसके अलावा बावजूद केपन फिल्म में किशोर केमन का एक चरित्र के रूप में फिल्म के लेखन और निरसांग के लिए ली गॉर्डन द्वारा एक समय एक तरह विस्थापित पेश विलियंस के रूप में पहचाना गया। प्री प्रोडक्शन की बात की जाए अक्टूबर 2019 में रायमन ने न्यूयर कॉन्स ऑफ कॉन की घोषणा की और नई इवेंट डेट फिल्म विकसित की। रॉबर्ट जी और आप निर्मित के तौर थी और तब की मार्विन और केपर ने केवल अपने घोष हाउस पिक्चर बैनर के तहत कार्यक्रम निर्माता के रूप में काम किया। और जून 2020 में केपेबल ने खुलासा किया कि वह ली कोरन को रायमिन द्वारा फिल्म लिखने और निर्देशन करने के लिए चुना गया था। फिर कोरियन ने पहले होश रिमी की श्रृंखला 5 ऑफ द फ्रेट पर रायमी के साथ सहयोग करने के बाद एविल डेड 9 शीर्षक की मई 2021 में न्यू लाइव सिनेमा जिसमें पहली बार फिल्म का निर्माण किया फिल्म को चुन लिया और इसे HBO मैक्स पर रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया और इसका नाम एवी डेड राइज रखा गया था। साथ ही साथ दोस्तों इसके बारे में बात की जाए तो मई 2021 में यह बताया गया कि वह ऑस्ट्रेलिया अभिनेत्री एलियन स्टोर्ड और लिली सुलवेन को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया है। जी हाँ दोस्तों इसके लिए इन्हें लिया गया था और जून 2021 में गोर्बियन इलकोन के साथ साथ मॉर्ग डेविन और नेल फोर्स को कलाकारों में जोड़ लिया गया। और जुलाई 2021 आते आते मिया 40 के कलाकारों में शामिल होने की सूची मिली
और फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 6 अक्टूबर 2021 को न्यूजीलैंड में शुरू हुई थी, जिसमें डैन गारबेंट सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम करते हुए नज़र आए थे और एशियन बॉर्न और इवन डेड के कई एपिसोडों में सिनेमेटोग्राफर के रूप में एक साथ प्रोडक्शन डिजाइन के निक बेस्टन के रूप में काम किया। और 14 जुलाई 2021 को कोरियन ने खुलासा किया कि वह फिल्मांकन अधिकार रूप में आधे हो चुके हैं और 27 अक्टूबर 2021 को अधिकारी रूप पर आधे हो चुके हैं और मुख्य रूप से लगभग 65 लीटर लगभग एरियन नकली खून का इस्तेमाल किया गया था। और पिछली स्थिति की तरह फिल्म कंप्यूटर जनित और इमेजी की तुलना में व्यवहारिक प्रभाव को अधिक निर्भर करती है, यानी इतनी सारी स्ट्रगल करनी पड़ी इसे सीन को बनाने के लिए। और मैंने स्टोरी में आपको एक्सप्लेन किया था जो ब्लड वाला सीन, उसके लिए तकरीबन लगभग 65 मिलियन लीटर एक तरह से जो नकली ब्लड है उसका यूज़ किया गया था। ओरिजिनल ब्लड तो हो ही नहीं सकता, वो हम सभी को पता है। साथ ही साथ भर भर कर इसमें तकरीबन पैसा लगाया गया था और VFX भी बहुत ही ज़बरदस्त थे और सिनेमेटोग्राफी एक हॉरर मूवी के लिए जिस हद तक होनी चाहिए थी उस हद तक इसमें की गई है और बहुत ही शानदार इसमें जो एक तरह से स्टोरी भी बहुत ही गजब की देखने को मिली है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों इसके बारे में बात की जाए तो ऑफिशियल रूप से अपडेट ये थी कि मई 2021 में बता दिया गया था कि ये एक तरह से इस सीक्वेंस की 5वीं फिल्म आपको देखने को मिलने वाली है, यानी इससे पहले से 4 सीक्वेंस आ चुके हैं जो कि कई एक तरह से गैप देकर 2013-15 और 2019 और 2017 अभी हाल ही में 2023 में रिलीज की गई है। इसके जितने भी सीक्वेंस है उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी करके हम डिटेल बताएंगे और यदि आप चाहते हो कि उनमें से किसी एक पर एक वीडियो चाहिए आपको लॉन्ग तो नीचे कमेंट कर दें। जिस भी पार्ट के लिए ज्यादा कमेंट आएंगे हम उस पर जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले उसी एक तरह से पार्ट पर आएगी। और इसी के साथ मुख्य रूप से सोलविन को मुख्य भूमिकाओं के लिए ले लिया गया था और जून 2021 में इसे एक तरह से शूटिंग का काम चालू कर दिया गया था और जुलाई 2021 में मियोन 40 के कलाकारों में शामिल होने की सूची मिली। और साथ ही साथ म्यूजिक भी बहुत खतरनाक था और रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो ऑप्शन लूप से 21 अप्रैल 2021 को वर्नर ब्रदर्स ने ऑप्शन लूप से इसे वर्ल्ड वाइड रिलीज कर दिया था और इसी के साथ 20 अप्रैल को सिडनी और गोल्डबर्न के साथ साथ फेस्टिवल में फिल्म की फेस्टिवल ऑस्ट्रेलिया में इसे आधी रात को स्क्रीनिंग की गई थी। और इसी के साथ ऑप्शन लूप से हम सभी के लिए ये ऑप्शन लूप से शुक्रवार को 21 अप्रैल को देखने को मिली। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में ही जान रहे हैं, इसकी एक तरह से स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर दी, अपडेट बता दी और अब इसके प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। साथ ही साथ दोस्तों प्रोडक्शन के बारे में थोड़ी डिटेल हमने जान ली थी, थोड़ी और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फिल्म साउथ ब्रे एक तरह से SXSW प्रीमियम में फैड एवरेज ने घोषणा की कि वह फिल्म एवी डेड 2013 और एवी डेड 1981 के रीमेक के साथ एक नई मूवी पर काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ 31 अक्टूबर 2015 से 29 अप्रैल तक इस टाइम प्रसारित किया गया और इसी के साथ इस मूवी की तैयारी चालू हो चुकी थी। और इसी के साथ प्री प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का जो प्री प्रोडक्शन है वो भी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में किया गया। मुख्य रूप से अक्टूबर 2019 में इसे एक तरह से शूट करने के बाद इसका प्री प्रोडक्शन चालू हो चुका था। न्यूयॉर्क कॉमियन कॉल में घोषणा की गई कि नई एविल डेड फिल्म एक तरह से डेवलपमेंट में है और रिबोर्ट जी और टारपर्ड निर्माता के लिए तैयार थे, जबकि रायमिन और कैम्पन ने केवल अपनी घोस्ट हाउस पिक्चर बैनर के तहत कार्य निर्माता के रूप में काम किया। जून 2020 में कैम्पन ने खुलासा किया कि वह ली कोरन को रायमिन द्वारा फिल्म एक तरह से लिखने और निर्देशन करने के लिए चुन गया है। और फिर कोरियन ने हॉरर स्टिंग श्रृंखला 5 स्टेट ऑफ फ्रेट पर रायमिन के साथ सहयोग करने के लिए एविल डेड और नाउ शीर्षक दिया। और मई 2021 में न्यू लाइव सिनेमा जिन्होंने पहली फिल्म का निर्माण किया और साथ ही साथ फिल्म को चुना गया और इसे HBO Max पर रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया। साथ ही साथ इसका एक तरह से एविल डेड टाइटल रखा गया और मुख्य रूप से इसे एक तरह से सिनेमैटिक के लिए यूज़ किया गया और VFX भी अच्छी खासे इसके अंदर यूज़ किए गए। और मई 2021 में ये बताया गया कि ऑस्ट्रेलियन अभिनेत्री एलियन सैडलैंड और लेरी सुवेन को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया है।
जून 2021 में गोरबिन एल्कोल और मार्गन डेविन्स और नेल फ्रिश को कलाकार की जोड़ी में शामिल किया गया है। जुलाई 2021 में मिया चालिन ने कलाकारों में शामिल होने के लिए सूचना मिली थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी न्यूजीलैंड में 6 जून 2021 को शुरू हुई और जिसमें डेविन गारमेंट सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम करते हुए नजर आए। एशा ब्रांड एवियन डेट के कई एपिसोडों में सिनेमेटोग्राफर के रूप में और साथ ही साथ प्रोडक्शन डिजाइनर रिक बेस्ट के रूप में काम किया। 14 जुलाई 2021 को कोरियन ने खुलासा किया कि वह फिल्मांकन आधिकारिक तौर पर आधा हो चुका है और 27 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक तौर पर फिल्म एक तरह से शूट कर ली गई है और कोरियन ने यह कहा कि फिल्म लगभग 65 लीटर एक तरह से खून जैसे कि मैंने बताया उसका यूज़ किया गया है और फिल्म के दृश्य को घटनाओं को संपादन को पूरा होने में 6 महीने लग गए थे, यानी एडिटिंग के अंदर इसे 6 महीने लग चुके हैं। साथ ही साथ केरियन ग्रैन और डेविन में संपादन में शूट किया गया और मार्च 2020 में केरियन ने ट्वीट किया कि वह एक तरह से एडिटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। साथ ही साथ म्यूजिक की डिज़ाइन में एक तरह से थोड़े चेंजेस किए गए हैं। फिल्म म्यूजिक की बात की जाए अप्रैल 2022 में द हॉल इन ग्राउंड 2019 में कोरियन के साथ सहयोग करने के बाद स्टीव मैरकॉन को स्क्रीन बनाने की घोषणा की गई। रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो मूल रूप से HBO मैक्स पर स्ट्रीमिंग ऑल वन रिलीजिंग के लिए सेट की तैयारी थी, लेकिन सकारात्मक परीक्षण और स्क्रीन और ओपनर बदर पिक्चर द्वारा फिल्म वितरण के लिए अनुगठन योजना के कारण अगस्त 2022 में एक नाट की रिलीजिंग के लिए स्विच किया गया, जो कि स्टूडियोज को कम भरोसा करते हुए देखा गया और HBO मैक्स ओरिजिन रिलीजिंग और थिएटरिंग रिलीज पर और भी बहुत अच्छा मिला और फिल्म को संयुक्त राज्य अमेरिका में 21 अप्रैल 2023 को वार्नर ब्रदर्स द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और एक विल डेड राइज और विश्व प्रीमियम 15 मई एक तरह से मार्च 2030 को SXSW में हुआ और जो कि अप्रैल सिडनी और मेलबर्न के एक फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल ऑस्ट्रेलिया में इसकी आधी रात में स्क्रीन की गई। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो मूवी ने लगभग 24 अप्रैल 2030 तक एलवी डेड राइड ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 26.6 मिलियन के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में 17.9 मिलियन के साथ साथ दुनिया भर में लगभग 44.5 मिलियन की कमाई की है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में एविल डेड राइज को द कॉर्नर्स और सोल्वियंस और ब्लू इन एफर्ट के व्यापक विस्तार के साथ रिलीज किया गया है और इसके शुरुआती सप्ताह में लगभग 3,402 थिएटरों में कुल लगभग 15 से 20 मिलियन का अनुमान लगाया गया है। फिल्म ने अपने पहले दिन 10 मिलियन की कमाई की, जिसमें गुरुवार रात को मुख्य रूप से पूर्वलोकन में 2.5 मिलियन शामिल थे और यह 24.5 मिलियन डॉलर के शुरुआत में चल गई उम्मीदों को एक तरह से छोड़ा पीछे। और इसी के साथ हॉलीवुड ने द सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर आई हैं और 58 दर्शक पूरे थे, जिसमें 68% से 18 से 35 की उम्र के बीच के थे। यूएसए और कनाडा के बाहर फिल्म ने अपनी शुरुआती सप्ताह में लगभग 58 मार्केट में उतरी और साथ ही साथ 17.9 मिलियन की कमाई के साथ बाजार में मैक्सियन में 9.1 मिलियन साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम में 1.8 बिलियन ब्राज़ील में 1.5 मिलियन साथ ही साथ फ्रांस समेत भारत में 1.3 मिलियन पे उतरी। साथ ही साथ रेटिंग रेड टमेटोज में 170 रेटिंग में से लगभग 85% सकारात्मक समीक्षा है, यानी अच्छी रेटिंग है, जिसमें से 7/1 रेटिंग है 10 में से वेबसाइट की आम सहमति के साथ साथ और भी कई प्लेटफॉर्मों पे इसकी A1+ ऐसे रेटिंग दी हुई है जो कि बहुत ही बेहतरीन रेटिंग है। साथ ही साथ और भी लोगों द्वारा इसे पसंद किया गया है और अप्रैल 2030 में ब्रूस कैफोर ने कहा कि वह सैम और ईवा हर दो एक तरह से 3 साल बाद फ्रेंचाइजी में भविष्य की फिल्म के लिए संभाव की योजना बन रही है। अगर एविडेंट राइज सफल रही तो वह मुख्य रूप से एक और नई मूवी आपको देखने को मिल सकती है और सफल तो है, बॉक्स ऑफिस पर बहुत तगड़ा कलेक्शन किया है और धीरे धीरे मेरे को लगता है ये जो आंकड़ा है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का तकरीबन 100 करोड़ के पार जाने वाला है, 100 करोड़ USD डॉलर के पार। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से मूवी ने एक तरह से
लगभग 5-6 दिन के अंदर जो परफॉर्मेंस दी है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो डायरेक्शन किया है ली कोरिंकिन ने, इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो इससे पहले हम इस मूवी के जो एक्टर हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं लिली सुलवीन के बारे में। मुख्य रूप से ये एक ऑस्ट्रेलियन अभिनेत्री हैं और मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपको और भी किसी सीरीज या मूवी की एक्सप्लेनेशन जाननी हो, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, किसी भी लैंग्वेज की हो, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और साथ ही साथ थोड़ी और अपडेट जानने के बाद वीडियो को एंड करते हैं। और से जितने भी 4 पार्ट है उनमें से किसी एक पार्ट पर यदि आपको एक्सप्लेनेशन की वीडियो चाहिए तो नीचे डेफिनेटली यस लिख दीजिए और उस पार्ट का नाम लिख दीजिए। हम उस पर जिसके भी सबसे ज्यादा कमेंट आएगा उस पार्ट पर सबसे जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं आगे, थोड़ी डिटेल और जानते हैं, फिर वीडियो का एंड करेंगे। तो दोस्तों, अब हम जानना चालू कर रहे थे। जैसे कि हमने थोड़ी बेसिक डिटेल बता दी थी इस मूवी के जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में, और भी हम डिटेल आपको बता रहे हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को तो लाइक करना ही है, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप उन्हें देख पाओ। तो मुख्य रूप से इनके जन्म के बारे में बात की जाए तो 8 सितंबर 1984 को, तकरीबन आज इनकी उम्र 28 साल है, लॉगन सिटी और क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ। मुख्य रूप से ये एक एक्ट्रेस है और इस इंडस्ट्री में 2012 से वर्तमान तक काम कर रही है। सुलविन के पिता चिकित्सक उपकरण आयक हैं और उनकी माँ एक दृश्य कलाकार है जो कि लिली के जन्म से पहले एक साथ यूके ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश हुई थी। साथ ही साथ वह होल्सन अपनी पढ़ाई की शुरुआत में जॉन कॉलेज में भाग लिया, फिर लंडन सिटी में वर्ष 2 में कलाकारी एशियन और कॉलेज गई और 2011 में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की और किशोरी के रूप में ब्रेशियन में मंच पर एक स्टीम नेडल डिजाइन के निर्माण को देखने के बाद सुविधा अभिनय के लिए विचार से असरत हो गई और उन्होंने एक प्रमुख ड्रामा एक तरह से स्कूल में ऑडिशन की योजना बनाई। हालांकि उसके हाई स्कूल के अंतिम वर्ष में एक फिल्म भूमिकाओं के लिए एक कॉल आउट आया जहां पर ऑडिशन दिया और भूमिका जीती। और सुलविन ने पीजी हॉन्गर्स की 2012 की फीचर मेटल में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत, जिसके लिए उन्होंने स्कूल में रहते हुए ऑडिशन दिया, टोनी कोलेट और लिव एरगन और एथियन लॉर्डकन के साथ अभिनय किया। इसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेताओं के लिए SSCT पुरस्कार नामांकन और एक युवा अकादमिक द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फ्रिट सर्कल ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार नामक दर्जत किया। 2014 में वह फीचर फिल्म गोलेर 2014 में दिखाई थी, उसका प्रीमियम मेलबर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। इसमें 2014 में सिनेमा डेज एसीपोर्ट सेट और डोजन में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। इसके बाद वह मेलबर्न चले गए। सुविल 2015 में लीथी हेडन स्कॉलरशिप एम एन कॉल के साथ एक उपयोजित थी। वह टेलीविजन शंकरा लेक 2012 के लिए दूसरे सीजन में दिखाई दी और क्वाइसलैंड में फिल्माया गया। एक अमेरिकन शो NCB श्रृंखला कैप 2013 की उनकी आवर्ती भूमिका, ट्रिमोंट स्पेन अभिनय 2015 की फिल्म सरकन में उनकी भूमिका थी। सुनने ने ऑस्ट्रेलिया फिल्म आई मेट इन गर्ल्स में लुइस की भूमिका निभाई जो अप्रैल 2021 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। 2021 में सेविल गोल्डी ग्रोन द्वारा लिखी और निर्देशित फिल्म एवन डेज राइज में कास्ट किया गया। 2021 अप्रैल 2023 को रिलीज होने वाली है, यानी एक तरह से रिलीज हो चुकी है। 2022 में उन्होंने ऊपरे देश दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में फिल्म निर्माता लेनी उस्केर के निर्देशांग में मेल्टन निर्माता बोर्टन एक टीम द्वारा बनाई गई एक तरह से साइंस थ्रिलर फिल्म मोरियन स्टोन में कास्टिंग करने थे एक तरह से देखते हुए नजर आई है, फिल्माई गई है। इस फिल्म को ऑस्ट्रेलिया में प्रीमियम 27 अक्टूबर 2022 को एल्टेड फिल्म फेस्टिवल में और 13 मार्च एक तरह से 2023 को SXW फेस्टिवल प्रीमियम में हुआ। और साथ ही साथ कई समीक्षाओं ने इसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए
तो इन्होंने अपने करियर के अंदर कई फिल्म की, 2012 में मैंटेल, साथ ही साथ 2013 में गैलरोल और 2015 में सुकर, साथ ही साथ 2017 में जंगल और 2019 में डार्क पैलेस। साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई एक तरह से सीरीज है, टेलीविजन शोज है, उनमें देखने को मिली आई मीट ए गर्ल, साथ ही साथ इविल डेड राइज जो कि अपकमिंग एक तरह से मूवी थी और हाल ही में इसे रिलीज़ कर दिया गया है, रिलीज डेट भी मैंने आपको बता दी थी। इतनी सारी मूवीज़ में ये आपको देखने को मिली। साथ ही साथ टेलीविजन रोल्स के अंदर भी 2020 में वैक्सीन में देखने को मिली। साथ ही साथ अवार्ड्स भी बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने अवार्ड्स हासिल किए हैं अपने करियर के अंदर, तकरीबन 5 से 6 अवार्ड्स इन्होंने जीत रखे हैं। तो दोस्तों इनके बारे में मैंने जितनी भी डिटेल हो सकती थी मैंने बताया, और इस मूवी के अंदर जो मेन लीड के अंदर आपको देखने को नज़र आई है एलिस सदरलैंड। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मुख्य रूप से इनका जन्म 23 सितंबर 1982 को हुआ। ये एक ऑस्ट्रेलियन अभिनेत्री और मॉडल है जिन्हें एक तरह से हिस्ट्री चैनल, टेलीविजन श्रृंखला और माइकिंग और एली इन एलविन डेड फ्रेंचाइजी की 5वीं एक तरह से मूवी में क्विल एस्लोन के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ इनके बेसिक डिटेल के बारे में बात की जाए तो 23 सितंबर 1982 को इनका जन्म हुआ, तकरीबन आज इनकी उम्र 40 साल हैं। पेशियन और क्विंसलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री हैं, साथ ही साथ एक मॉडल हैं। इनके एक तरह से करियर के बारे में, इन्होंने शादी की थी लॉर्ड शेन सोनेट से 2013 में, लेकिन इनका एक तरह से तलाक हो चुका है। साथ ही साथ प्रारंभिक एक तरह से स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो सदरलैंड मुख्य रूप से जन्म ब्रेस में हुआ और सदरलैंड में उनके प्रेस के उत्तर की ओर कोशन स्टॉल हाई स्कूल में पढ़ाई की। सदरलैंड का मॉडल करियर जब शुरू हुआ जब उन्होंने 1972 में ऑस्ट्रेलिया में एक ईश्वर पत्रकार और गर्लफ्रेंड के लिए एक वार्षिक बनने का मॉडल साझा किया। अपनी जीत के बाद उन्होंने वैंक्स ऑस्ट्रेलिया के एक अनुभव का हस्ताक्षर किया और बुर्गल राफन लॉरियन और चैनल जॉर्ड स्टीन और साथ ही साथ एबर क्रोब, साथ ही साथ सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया हैम पर बजा सिंगापुर और जापान एलियन जर्मन और ऑस्ट्रेलिया स्टैन जैसे कई इलाकों में संपादित की शूटिंग में काम किया। साथ ही साथ 2007 में सदरलैंड में सबसे नई स्पॉल गर्ल के रूप में इन्होंने कैप्टन में 5 साल की उम्र में अपने करियर के अंदर पहला रोल किया था जो कि बहुत ही शानदार लोगों द्वारा बड़ा पसंद किया गया। साथ ही साथ इसी के साथ ये इस इंडस्ट्री में कंटिन्यूस काम करते हुए नजर आए। सदरलैंड के अभिनय करियर में द लेडी विश और द ऑन फायर और डॉट लुक अप और साथ ही साथ मई 2021 में सदरलैंड का फिल्म एविडेंट राइज में कास्ट किया गया। उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला न्यू एडवर्ड वाइसकिंग द मिस न्यूड और न्यू गोल्डन माउंटेन भी अभिनय की। साथ ही साथ 2012 में उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड नोरे शॉर्ट से शादी की। इस जोड़े ने 2013 में शीघ्र की तलाक लिया। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले 2006 में ये आपको देखने को नजर आई थी द डेविल वेयर पार्ट और साथ ही साथ 2006 में डे ऑन फायर और डोंट लुक अप और साथ ही साथ 2019 में बॉली प्रेस इवल डेट राइज 2030 में। टेलीविजन शो की बात की जाए तो मुख्य रूप से न्यू एंड बैंड, साथ ही साथ हंग, साथ ही साथ टाइमलेस, साथ ही साथ न्यू गोल्ड माउंटेन और साथ ही साथ और भी कई मूवीज़ में ये आपको देखने को मिली है। इनके बारे में जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने बताई, साथ ही साथ अगले जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में जानते हैं जिनका एक तरह से नाम है मुख्य रूप से मॉर्गन डेरबी। ये इनका जन्म 27 जनवरी 2001 को हुआ है। ये एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म और टेलीविजन अभिनेता है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत मुख्य रूप से चिल्ड्रन कलाकार के रूप में की। डेविन सार्जन ग्रुप से 2020 में ट्रांसजेंडर के रूप में सामने आए। इनके बारे में बात की जाए तो मॉर्गन डेविन इनका पूरा नाम है। 27 नवंबर 2001 में तकरीबन इनकी उम्र 21 साल है ऑस्ट्रेलिया में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है, साथ ही साथ सक्रिय वर्ष इनका इस इंडस्ट्री में 2008 से वर्तमान तक है। डेविन ने ऑस्ट्रेलिया फिल्म तट्री में बाल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत की। उन्होंने जेफ रैन और जेन बर्टन के साथ स्टॉर्म बॉय और मेडिकल की भूमिका निभाई। साथ ही साथ उन्होंने 2020 की ऑस्ट्रेलिया टेलीविजन श्रृंखला
द एंड में लिंग परिवर्तन की प्रक्रिया में एक ट्रॉस के शोर के रूप में अभिनय किया। साथ ही साथ 2008 में ये आपको ग्रीन फेयर ईवी में देखने को मिले, साथ ही साथ द ट्री, साथ ही साथ द हंटर, साथ ही साथ जूलियस ग्रोन अप और स्टोन बॉय, साथ ही साथ लिबर डेड रेस, साथ ही साथ वन पीस में आपको अपकमिंग जो टेलीविजन शो है उसमें देखने को मिलने वाले हैं द एंड 2020 में और द गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस, साथ ही साथ डेविल इज प्लेग्राउंड और टीरा नोवल आपको 2011 में ये देखने को मिले थे। अवार्ड्स के बारे में बात की जाए तो 2010 में AFI यंग अवार्ड, साथ ही साथ 2010 में AFI बेस्ट एक्टर अवार्ड्स, 2011 में फिल्म सर्कल ऑफ ऑस्ट्रेलियन अवार्ड, साथ ही साथ और भी कई अवार्ड्स अपने नाम करते हुए नजर आए हैं। तो इनके बारे में जितनी भी डिटेल थी मैंने आपको बता दी, साथ ही साथ म्यूज़िक की बात की जाए और प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले म्यूज़िक स्टीव मैक्रोन ने दिया है। स्टीव मैक्रोन फिल्म और टेलीविजन साउंड ट्रैक संगीत के एक यायकर संगीतकार है जिन्होंने जॉर्ज ब्राउन फिल्म 2014 में मुख्य रूप से 2004 में द टाइग्रेस टेल दोनों के लिए एक आयरन फिल्म और टेलीविजन पुरस्कार मिला है और उन्होंने पहले ब्लाइट फ्लैट 7 और बच्चों की एनिमेटेड फीचर निकोन 2 और डिट्रिक ब्रांड बिग ट्रायल के लिए रेन्यू 1988 और बोस्टल बॉय 2000 उन्होंने 2011 की बर्फट हेड में बनाई। साथ ही साथ मैस्किन ने 80 से अधिक फिल्मों के स्कोर लिखे। वह एक मल्टी एंटोनियन जिसके काम से बड़े ऑस्टिनेज स्कोर से लेकर एबिन ग्रैंड पर आधारित संगीत जैसे कोस्टिंग बोट विजेता भी शामिल है। साथ ही साथ कई अपकमिंग मूवीज इनकी आपको देखने को मिलने वाली है जिनमें इन्होंने साउंड देने का काम किया है। साथ ही साथ इतनी ही जानकारी इनके लिए प्रोवाइड है मैंने आपको बता दी। साथ ही साथ वर्लाइन सिनेमा, जी हाँ दोस्तों ये जो सिनेमा है इसके बारे में भी हम थोड़ी डिटेल आपको बता देते हैं। साथ ही साथ वार्नर ब्रदर्स के बारे में भी हम बता देते हैं। सबसे पहले वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के बारे में चालू करते हैं। वार्नर ब्रदर्स ग्रुप की डेविज की एक अमेरिकन फिल्म निर्माता वितरण कंपनी है और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के लिए सीमित है और स्टूडियोज वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ग्रुप न्यूट के लिए बेहतर लाइव एक्शन फीचर फिल्मों का प्रमुख निर्माता है। तो वार्नर ब्रदर्स के बारे में बात की जाए तो वार्नर ब्रदर्स पिक्चर इंक 1923 से 1987 तक और वार्नर ब्रदर्स सेव आर्ट्स इन 1987 से 1989 तक इसे पूर्व इस नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ मुख्य रूप से ये फिल्म निर्माता है। मुख्य रूप से वार्नर पिक्चर कंपनी मुख्य रूप से स्थापित इसे 4 अप्रैल 1930 को लगभग से 100 साल पहले बनाया गया था। इसके संस्थापक हैरी वर्नन और अल्बर्ट वर्नन, सैम वर्नन और जैक एल वर्नन, जी हाँ दोस्तों वर्नन ब्रदर्स के नाम से इसे इसलिए जाना जाता है मुख्य ब्रेक और कैलिफोर्निया में इसका कार्यालय है। साथ ही साथ मुख्य रूप से माइकल ली डी लुक और सह अध्यक्ष पॉल एबडिन हैं। साथ ही साथ प्रोडक्शन मुख्य रूप से गतिस पिक्चर, साथ ही साथ सेवा फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन और फिल्म प्रमोशन, साथ ही साथ फिल्म का मालिक है वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी। साथ ही साथ इसके बारे में बात की जाए तो वार्नर ब्रदर्स पिक्चर वर्तमान में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ग्रुप के भीतर 4 लाइव एक्शन फिल्म स्टूडियोज में से एक हैं। अन्य वेन्यू सिनेमा डीसी स्टूडियोज और कैस रॉक एंटरटेनमेंट और स्पाई क्लास मीडिया ग्रुप। साथ ही साथ इसी के साथ हैरी पॉटर फिल्म श्रृंखला की एक दर्जे अंतिम किस्त $1.3 बिलियन की दुनिया में सबसे ज़्यादा एक तरह से स्टूडियोज में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। और भाई हेरनबर्ग और आल्बर्ट वर्नन साथ ही साथ 1983 की संस्थापक अपनी स्वयं की फिल्म का निर्माण करने के अलावा ये उन वर्नर ब्रदर्स लैब द्वारा निर्मित और रिलीज की गई फिल्मों के लिए काम निर्माण और संचालक के रूप में देखने को नजर आए थे। वर्नर ब्रदर्स 100 साल पुरानी हो चुकी हैं। साथ ही साथ 1911 से फिल्म निर्माण और सैम वर्न्स और उनके व्यापारी समझौते के भाई हेरन अल्बर्ट और जेक द्वारा स्टूडियोज के पूर्ववर्ती और आधुनिक समय के लिए वार्नर ब्रदर्स एंटरटेनमेंट की स्थापना न्यू कैलिफोर्निया पैशन में वार्नर ब्रदर्स कंपनी के रूप में की गई। उन्होंने 1912 में
अपनी पहली फिल्म द पेरियन ऑफ द पैलेस का निर्माण किया, जिसमें सेट लुइस मोशन पिक्चर कंपनी के लिए निर्देशन किया था। 1915 में सैम और जेक अपना प्रोडक्शन स्टूडियो स्थापित करने के लिए कैलिफोर्निया चले गए, जब अल्बर्ट और हेरन ने 8 जुलाई 1915 को स्कोन स्थित स्टूडियोज की स्थापना की। साथ ही साथ वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी कॉर्पोरेशन फिल्म के निर्माण करते हैं, और 1980 में चार वार्नर ब्रदर्स ने अपनी पहली पूर्ण स्थपति स्थापित की, और जर्मन में वही 4 साल तक युद्ध फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। भाइयों की एक प्रसिद्ध स्टूडियोज के रूप में स्थापित करने के बाद की गई, और 4 अप्रैल 1982 को वार्नर ब्रदर्स इंक को आधिकारिक रूप से स्थापित किया गया, क्योंकि उनका मुख्य फोकस पूरी तरह से चलचित्र उद्योग पर था। 1970 में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ने फिल्म उद्योग में क्रांति लाई, और अमेरिकन जादू वार्नर ब्रदर्स ने एल जोन्स के साथ मिलकर एक और नई मूवी का निर्माण चालू कर दिया, जब कंपनी ने वर्षों में अधिकृत किया और अंततः इसे अपने वर्तमान में चार्टर नाम की बदलाव किया। लेकिन वार्नर ब्रदर्स को कंपनी की फिल्म निर्माण साख के रूप में स्थापित किया जा रहा था। नंबर 1986 में जेक ने उम्र और बदलते समय को आगे बढ़ाते हुए स्टूडियोज में संगीत व्यवस्था का निमंत्रण किया, और 32% सेवा कनाडा निर्देशक एड कैंस हाइन द्वारा चलाई जा रही थी। साथ ही साथ 3 मार्च 2003 को वार्नर ब्रदर्स के रूप में डिविज को फिल्म विश्व में विदित लाने के लिए उनकी फिल्म रिलीजिंग के लिए दर्शकों का विस्तार करने के लिए शामिल किया गया। कंपनी वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ग्रुप का हिस्सा बन गई, जिसे 2008 में स्थापित किया गया था, और जेफ रॉयस की कंपनी का अपना पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2017 में लंबे समय तक न्यू लाइफ कार्यकारी टॉबी एमचन अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए, और जनवरी 2018 में उनके पदोन्नति देकर अध्यक्ष बन गए, और 23 अक्टूबर 2018 को यह घोषणा की गई कि वे वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ग्रुप के अध्यक्ष लिन फैक्स ने एक तरह से अवसरों का पीछा करने के लिए कंपनी छोड़ देगी। शादी का साथ प्रबंधी के कारण 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान फिल्म को रिलीजिंग करने में परेशानी हुई, और 2020 के लिए 2021 में नियोजित की गई फिल्में आगे बढ़ाने के बाद WUB ने दिसंबर 2020 में घोषणा की कि वे 2021 की पूरी एक तरह से स्लेट को नाटकीय रिलीजिंग के साथ HBO पर उपलब्ध की एक महीने की अवधि के लिए नियोजित करने का असामान्य तरीका अपनाया है। साथ ही साथ मुख्य रूप से वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ने 2021 तक अपनी प्रभावी फिल्मों के लिए अपनी मेजबानी के दौरान बदलाव करने के लिए इस फिल्म के कलाकारों में कर्मचारी का एक तरह से भुगतान प्रदान किया। मार्च 2021 में वार्नर ब्रदर्स ने घोषणा की कि वे 2022 के लिए 45वें दिवसीय नाटकीय विशिष्ट वोट पक्ष में अपनी उसी दिन के HBO मैक्स और नाटकीय रिलीजिंग मॉडल को बंद कर देंगे। यह स्टूडियो सिनेपोइसरिंग मोशन के रूप में आपको देखने को नजर आ रहा है। 1 जनवरी 2022 को वार्नर ब्रदर्स HBD और वार्नर मीडिया डिस्कवरी इंक के लिए विलियन में अपनी कंपनी ने घोषणा की कि वे एमरेज संक्रमण काल के बाद वार्नर ब्रदर्स पिक्चर ग्रुप के प्रमुख के रूप में पद छोड़ देगी। साथ ही साथ 8 जून को CEO के लिए इसे साइन इन किया गया था। फिल्म लाइब्रेरी के बारे में बात की जाए तो विलय अधिकृत ने वार्नर ब्रदर्स फिल्म में कार्टून्स और टेलीविजन शक्लों के विभिन्न संग्रह को जमा करने में मदद की, और 2022 तक वार्नर ब्रदर्स के पास लगभग 145,000 से भी अधिक घंटे का प्रोग्रामिंग स्वामित्व था, जिसमें 1,250 एक तरह से फीचर फिल्म 2,400 टेलीविजन कार्यक्रम शामिल थे, जिसमें हजारों से अधिक एपिसोड भी शामिल थे। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ बात की जाए तो इसके बारे में साथ ही साथ इनके बारे में मैं आपको और डिटेल बताता हूँ। आप वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल बन नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे हर पर सेट कर ले। 1982 में अपने स्वतंत्रता वर्षों के दौरान टर्न और बास्केट की सिस्टम ने ब्रिटेन प्रोडक्शन अधिकृत किया, जो फ्रांस स्थित उस समय की सबसे संघर्षपूर्ण और पर्सनल केयर कंपनी में से एक थी। 1981 में टर्नर बोर्ड सिड ने अमेरिकन बेस्ट के रूप में से चलाया। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो कई एक तरह से बड़ी बड़ी मूवीज़ है जिनका डायरेक्शन इन्होंने किया था, साथ ही साथ वो सुपरहिट भी रही।
सबसे पहले स्टूडियोज की पहली लाइव एक्शन फिल्म माई मोर इशू इन जर्मन 1918 की सुपरहिट फिल्मों में से एक बनी। उनकी पहली एनिमेटेड फिल्म गोपुर ई 1982 थी और वर्नर्स ब्रदर्स एनिमेशन और वर्नर्स एनिमेशन ग्रुप द्वारा निर्मित एक तरह से एनिमेटेड फिल्म बी वर्नर्स ब्रदर्स द्वारा जारी की गई। स्टूडियोज में 5 फिल्में जारी की गई थी। सर्वश्रेष्ठ चित्रण फिल्मांकन के लिए अकादमिक पुरस्कार भी मिला। डिसराइल 1929 में और आई एम फ्लू ऑफ ए चैन गेंगर 1932 में, साथ ही साथ 42वीं ईस्वी में 1983 में हियर कैसन द नेवी और 1934 में ए मिडरशन नाइट ड्रीम, साथ ही साथ 1935 में ये एथोन एडवर्स, साथ ही साथ द लाइफ ऑफ एनिमेशन जोला 1973 में आपको देखने को नजर आया, साथ ही साथ 1938 में डार्क क्रिट और 1940 में द स्टीन पार्ट। साथ ही साथ इनकी मूवीज़ के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से गोल्डन ड्रैगन 1930 से 51 तक, साथ ही साथ 1930 से प्रेजेंट वर्तमान तक 1931 से 38 के बीच में प्रेशन सेम, साथ ही साथ और भी कई मूवीज़ थी जिनका डायरेक्शन इन्होंने किया। साथ ही साथ इनके बारे में मैं आपको और डिटेल बताऊँ तो मुख्य रूप से कई टाइटल निकल के आए। हाइएस्ट ग्रोशिंग फिल्म के बारे में बात की जाए तो इनकी अब तक की सबसे एक तरह से ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ थी वो थी द डार्क के नाइट। जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी आई थी इसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया। साथ ही साथ ये एक सुपर हीरो फिल्म थी और इस मूवी ने तकरीबन लगभग 500 USD यानी तकरीबन मैं आपको बताऊँ तो यानी कि अंदाज़ा मैं लगाऊँ तो तकरीबन इस मूवी ने 500 लाख USD की कमाई की जो कि बहुत ही ज़्यादा। साथ ही साथ द डार्क के नाइट राइज जो इसकी अगला पार्ट था 2012 में आया, इसने 444 लाख डॉलर्स कमाई की। साथ ही साथ वंडर वुमेन से लगभग 412 लाख डॉलर, साथ ही साथ हैरी पॉटर एंड द डेथ हेली पार्ट 2011 की ये मूवी थी, इसने लगभग 3.5 के बीच का आंकड़ा पार किया, 3.5 लाख से ज़्यादा का आंकड़ा पार किया। साथ ही साथ द बैटमैन 2022 में ये आपको देखने को मिली, इसने लगभग 3.7 बिलियन डॉलर की कमाई की, 3.5 लाख का आंकड़ा अमेरिकन स्पैन। साथ ही साथ जोकर मूवी 2019 में 3.5 लाख करोड़ एक तरह से इसने कमाई की जो कि बहुत ही अच्छा आंकड़ा है। तो दोस्तों मैंने वर्नर्स ब्रदर्स के बारे में जितनी भी एक तरह से हाईएस्ट ग्रोसेस मूवी थी उन सभी के बारे में बता दिया, साथ ही साथ जोकर जो मूवी है उसका पार्ट 2 दिया दोस्तों कंफर्म हो चुका है, उसकी एक तरह से शूटिंग का काम चालू हो चुका है। तो उसके बारे में यदि आपको कोई डिटेल जाननी हो तो आप कमेंट कर दें, हम उस पर भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसने इस मूवी के बारे में जाना है जो कि मल्टीपल लैंग्वेजों में आई थी, हिंदी इंग्लिश तमिल तेलुगु कन्नड़ सारी लैंग्वेजों में आपको देखने को मिली थी और इंडिया में भी आपको देखने को मिली है। और इसकी एडवांस बुकिंग के बारे में बात की जाए तो आधे से ज्यादा थिएटर फुल हो चुके हैं और अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। लेकिन आज इसी के साथ इंडिया के अंदर सलमान खान की एक फिल्म आई किसी का भाई किसी की जान, जिस कारण थोड़ा एक तरह से क्राउड कम देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ एक और मूवी आई चिंगेज जो कि ज्यादा कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी साउथ इंडस्ट्री को थोड़ा उस पर डिपेंड होना पड़ा और थोड़ी ऑडियंस उधर कन्वर्ट हो चुकी, लेकिन फिर भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मूवी को मिल रहा है इंडिया के साथ साथ बाहर की कंट्रियों में भी। तो दोस्तों आप क्या इस मूवी को देख चुके हो या फिर आप देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए। और कौन कौन इस मूवी को देखना जा रहा है, यदि आप देखने जा रहे हैं तो मैं नीचे बुक माई शो का लिंक देता हूँ जिससे यदि आप टिकट बुक कराते हो तो आपको 25-30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।